गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा क्लोरोफाइसी। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, पहले हमने डिस्कस किया एल्गी का जनरल इंट्रोडक्शन, फिर हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और फिर हमने बोला था उसमें हम अलग अलग हेडिंग में इसको पढ़ेंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो क्लोरोफाइसी यानी क्लोरो वर्ड से ही आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्लोरोफाइसी का मीन्स यहाँ पर हम किसकी बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले ग्रीन एल्गी के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले क्लोरोफाइसी का मतलब है, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ग्रीन एल्गी के बारे में, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी मोस्टली हमको कहाँ देखने को मिलती है, एक्वेटिक तो है ही, कौन कौन से, मोस्टली एक्वेटिक है, और एक्वेटिक में भी कहाँ मिलती है, मैराइन में भी मिलती है एंड फ्रेश वाटर में भी, मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में मिलती है, मोस्टली एक्वेटिक है ना, मोस्टली एक्वेटिक है, मोस्टली एक्वेटिक, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों जगह देखने को मिलती है। साइज और शेप जो है वो वेरी करते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म भी अवेलेबल है इसकी, यूनिसेलुलर जो हमने जर्नल में भी डिस्कस किया था, यूनिसेलुलर फॉर्म में क्या आता है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो उसका यूनिसेलुलर फॉर्म है। फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंटस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिलामेंटस फॉर्म में कौन आता है, स्पायरोगाइरा एंड यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा एंड यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा एंड यूरोथ्रिक्स जो फिलामेंटस फॉर्म है, इस तरह से एक सेल के ऊपर दूसरी सेल के ऊपर तीसरी सेल, इस तरह से लगी होती है, फिलामेंटस फॉर्म है। फिर आता है कॉलोनियल, जो कॉलोनी बना के रहते हैं, यानी थोड़ी सी कॉलोनी यहाँ आ गई, कुछ यहाँ पर रह गई एल्गी, कुछ यहाँ आ गई, कुछ यहाँ आ गई, कुछ यहाँ आ गई, इस तरह से बन जाती है कॉलोनी में। तो ये किसमें देखा था आपने, वॉल्वॉक्स। तो कॉलोनियल फॉर्म भी देखने को मिलती है, यानी यूनिसेलुलर फॉर्म भी है, क्लेमाइडोमोनास जो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, अगर आपको याद हो, दो यहाँ पर इस तरह से फ्लैजिला होते हैं, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो यूनिसेलुलर, क्लेमाइडोमोनास, फिलामेंटस, स्पायरोगाइरा, यूरोथ्रिक्स एंड कॉलोनियल, वॉल्वॉक्स। तो ये तो हो गया इसका साइज, इसका जो है शेप जो वेरी कर रहा है। फिर इसका जो ग्रीन एल्गी है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल आप बोलोगे ए तो हमने पढ़ा ही हुआ है, ए है, ए तो सब में होता है, ए ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, आपको याद करने के लिए पढ़ा रही हूँ, इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी है, ठीक है, ए एंड बी, इसके अंदर ग्रीन, इसके अंदर बात कर रहे हैं हम ग्रीन के अंदर। ब्राउन के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल ए तो होगा ही, उसके साथ सी, पहले हम ग्रीन पढ़ेंगे, फिर ब्राउन पढ़ेंगे, फिर रेड पढ़ेंगे, तो ए तो तीनों में मिलेगा क्लोरोफिल, बट दूसरे में क्या आ जाएगा, सी और ब्राउन के बाद, और रेड एल्गी के अंदर आ जाएगा ए और डी। इसके साथ कुछ और पिगमेंट्स भी होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किसकी वजह से वो ब्राउन हो गए या रेड हो गए, बट ए तीनों में कॉमन है, फिर आप पढ़ दो बी सी डी, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए एंड बी इसमें मेन जो है इसका पिगमेंट है, इसलिए ये ग्रीन एल्गी है, और जो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, वो क्लोरोप्लास्ट की शेप अलग अलग होती है, किसी में ये कप शेप होता है इस तरह से, जैसे अभी हमने क्लेमाइडोमोनास में दिया कप शेप, डिस्कॉइडल, डिस्कॉइडल मतलब डिस्क की तरह से, रिबन लाइक, रिबन, स्पाइरल, रेटिकुलेट, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी शेप अलग अलग होती है, किसी में इस तरह से, जैसे स्पायरोगाइना में देखा ना आपने, इस तरह से होता है रिबन की तरह से, रेटिकुलेट इस तरह से आता है, स्पाइरल, ठीक है। तो अलग अलग शेप जो है वो क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग होती है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब इसके अंदर जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, वो सेल वॉल मिलकर बनी होती है सेलुलोज, ये डिफरेंस के पॉइंट है स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि तीनों एल्गी में कई बार डिफरेंस आ जाता है, ये टॉपिक जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी, और इसमें आपको मैं ट्रिक्स देती जाऊंगी, तो आप इसको पूरा लास्ट तक देखिए, वहां मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक्स भी देती जाऊंगी, साथ साथ आपको कैसे लर्न करना है, तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो इसकी जो सेल वॉल, इसकी सेल वॉल अंदर की तरफ तो है सेलुलोज और बाहर की तरफ है पेप्टोज, ठीक है, बाहर की तरफ है पेप्टोज होता है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जो फूड है, जो स्टोर होता है, वो किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक दो स्टोरेज और स्टोरेज
जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं पायरेनॉइड्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वन और टू स्टोरेज बॉडीज होती हैं, वन और टू स्टोरेज बॉडीज होती हैं, वन और टू स्टोरेज बॉडीज जिसको बोलते हैं पायरेनॉइड्स, जिसमें अंदर की तरफ होता है प्रोटीन और बाहर की तरफ होती है स्टार्च। बाहर की तरफ क्या होती है? स्टार्च, और अंदर की तरफ होता है प्रोटीन। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर वन और टू स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पायरेनॉइड्स, जिसमें अंदर प्रोटीन होता है और बाहर की तरफ स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेलुलोज एंड पेक्टोज। अब क्लोरोप्लास्ट हमने देख लिया ए और बी, तो ये सारे डिफरेंस के पॉइंट हैं। अब इसके अंदर आता है कि इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन तीनों तरह से होता है। पहले हम बात करें वेजिटेटिव, तो वेजिटेटिव हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से यानी एक पार्ट कट गया तो वापस से वो पूरा पार्ट बन जाएगा, फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है। फिर एसेक्सुअल जो है वो स्पोर्स, कौन से? जू स्पोर्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जू स्पोर्स यानी फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। जू स्पोर्स वर्ड आ गया तो क्या हो गया, ये फ्लैजिलेटेड। और फ्लैजिला जो होता है इसमें, वो फ्लैजिला क्या होता है? एपिकल। ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी डिफरेंस का पॉइंट है। फ्लैजिला क्या होता है इसका? एपिकल यानी ऊपर की तरफ होता है। तो जू स्पोर्स है, और जू स्पोर्स बनते कहाँ हैं? जू स्पोरेंजियम में। कहाँ बनेंगे? जू स्पोरेंजियम, यानी जिसके अंदर बन रहे हैं वो कहलाता है जू स्पोरेंजियम। तो जू स्पोर्स क्या हो गए? मोटाइल स्पोर्स, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला प्रेजेंट है तो क्या हो गए जू स्पोर्स? मोटाइल स्पोर्स, और उसमें क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला क्या है? एपिकल है। ठीक है, तो एसेक्सुअल हो गया जू स्पोर्स से। जू स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं? जिस बैग में बन रहे हैं उसका नाम क्या हो गया? जू स्पोरेंजियम। और फ्लैजिला क्या है? एपिकल है। उसके बाद जो सेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स चाहिए, तो वो गैमीट्स क्या हो सकते हैं? आइसोगैमस, एक जैसे सिमिलर हो सकते हैं साइज में। ठीक है, एनआइसोगैमस मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में एनआइसोगैमस होता है, कुछ में आइसोगैमस होता है, और तीसरा क्या है? यूगैमस। तो तीनों तरह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये भी डिफरेंस का पॉइंट है। इसमें आइसोगैमस, एनआइसोगैमस एंड यूगैमस, क्योंकि ब्राउन में भी तीनों होता है बट रेड में नहीं होता, तो ये भी डिफरेंस का पॉइंट है। फ्लैजिला का भी डिफरेंस का पॉइंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें एपिकल फ्लैजिला होते हैं, यहाँ पर आइसोगैमस, एनआइसोगैमस, यूगैमस तीनों तरह का होता है। अब इसके एग्जाम्पल आप कैसे याद रखेंगे? तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक देने जा रही हूँ, जिससे आप इजीली उसको लर्न कर लेंगे। क्या ट्रिक है वो? देखिए, आपको याद रखना है क्लास 11th की कार SUV, क्लास 11th की कार SUV, इसको आप लर्न कर लिए। ठीक है, क्लास से क्या आ गया? क्लेमाइडोमोनास। कार से आ गया कारा। एस से आ गया स्पाइरोगायरा। यू से आ गया यूडोथ्रेक्स, और बी से आ गया वॉल्वॉक्स। याद हो जाएगा इजीली, क्लास 11 की कार SUV, क्लास का क्लेमाइडोमोनास, कार से कारा, एस से स्पाइरोगायरा, यू से यूडोथ्रेक्स, बी से वॉल्वॉक्स। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी के। तो आपको ट्रिक भी समझ में आई और इजीली लर्न भी हो गया, डिफरेंस के पॉइंट आपको पता चल गए। क्या क्या पॉइंट्स है? सेल वॉल पहला किससे मिलकर बना है? सेलुलोज एंड पेक्टोज। दूसरा, फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? स्टार्च के फॉर्म में। और तीसरा यहाँ पर था जो ये फ्लैजिला जो है वो एपिकल है, सिमिलर है। और यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो कौन सा क्लोरोफिल है उसमें? ए एंड बी। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस के पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।